प्यारे विद्यार्थियों, मैं शिष्यपाल चौहान आप सबके लिए 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनकी पोएम कीपिंग क्वाइट के स्टैंजास लेके आया हूँ, एक्सट्रैक्ट लेके आया हूँ। और ये तीसरा एक्सट्रैक्ट आप सबके लिए है। पहले एक्सट्रैक्ट पढ़ता हूँ, फिर मैं कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन पे आऊँगा। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट विदाउट रस विदाउट इंजन्स वी वुड ऑल बी टूगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। द ब्यूटिफुल लाइन्स आर देयर। एग्जॉटिक मीन्स अनयूजुअल। Unusual, what is unusual? You have never experienced, when you have never experienced such moments, such type of experience, you can say that is called exotic moment. Moment means the time that will be very unusual time for you or unusual experience for you. Jab aap कई बार लाइफ में ऐसे पल आते हैं जो बहुत ही अनयूजुअल होते हैं, तो पल भी कह लो या एक्सपीरियंस हो जाता है आपका उन पलों में, उन उस टाइम में। विदाउट रश, जब आप बिल्कुल किसी भी भाग दौड़ में नहीं हो, रश में हरी। विदाउट इंजन्स, कभी कहता है इंजन्स का मतलब क्या है यहाँ पे? इंजन, कोई भी मशीन इंजन के बगैर ड्रिवन नहीं होती, चलती नहीं है। इसका मतलब सभी फैक्ट्रीज, सभी इंडस्ट्रीज में जो मशीनें चल रही हैं, मशीनों को चुप करने से या स्थिर करने से मतलब ये है कि जो भी लेबरिंग क्लास वहाँ काम कर रही है, जो भी व्यक्ति, अपने घरों में भी मशीन होती हैं, कोई आप वॉशिंग मशीन पे काम कर रहे हैं स्टूडेंट कोई भी, तो वो भी अपने उस इंजन को स्टॉप कर देंगे। विदाउट इंजन्स कोई इंजन नहीं चल रहा है, माइंड का भी इंजन नहीं चल रहा है। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब इकट्ठे होंगे, क्योंकि एक ही एक्टिविटी में दुनिया भर में धरती की सरफेस पे, धरती की सतह पे, जहां जहां भी ह्यूमन बीइंग, अगर मतलब एक अजीब सी बात है कभी की कल्पना है कि सपोज करो सभी ने कवि की बात को सुन लिया है और वो तैयार हो गए हैं। समुद्र में फिशरमैन भी तैयार है, टेररिस्ट कहीं काम कर रहे हैं, अपने लड़ाइयां लड़ रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, वो भी उन तक भी बात पहुंच गई, सभी तैयार हो गए, सभी लोग इकट्ठा एकदम पालथी मार के बैठ जाते हैं और बिल्कुल मोशनलेस हो जाते हैं, काउंटिंग शुरू कर देते हैं, एक दो, जैसे मिसाइल चलती है तो काउंटिंग वहां भी होती है। मैं काउंटिंग का मतलब बता रहा था आपको, इम्पोर्टेंस, उससे क्या होता है, एक तरीका है एक प्रोसेस को शुरू करने का। तो सभी इंजन्स, सभी मशीनरी शांत हो जाए और कोई भाग दौड़ ना हो, सब एक्टिविटीज बंद हो जाती, तो कितनी एग्जॉटिक मोमेंट होगा, कितना एक अजीब सा लम्हे होंगे वो, तो ये सडन अचानक एक स्ट्रेंजनेस हो जाएगी, क्योंकि अनयूजुअल एक्टिविटीज हैं। यूजुअल एक्टिविटीज क्या होता है, शोरगुल होता है, हम ड्रम ऑफ लाइफ होती है, तो उससे जब हट जाएगी, जब दुनिया एकदम शांत हो जाएगी, तो ये कभी एक्सपीरियंस किसी ने किया ही नहीं है। देयरफॉर दैट इज एग्जॉटिक मोमेंट। विच एक्टिविटी वुड बी एन एग्जॉटिक एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू द पोएट? कौन सी एक्टिविटी एग्जॉटिक होगी? व्हेन द पीपल इन द होल वर्ल्ड आर क्वाइट, जब दुनिया में सभी लोग चुप होंगे, शांत होंगे, एंड दे सिट एट द सेम टाइम, और एक ही समय में सभी लोग दुनिया के जहाँ पे भी हैं बैठे हैं फॉर इंट्रोस्पेक्शन, अपना आत्मविश्लेषण करने के लिए, इट वुड बी एन एग्जॉटिक एक्सपीरियंस, ये अद्भुत तजर्बा होगा। हु इज द पोएट? ये कॉमन है, पेब्लो नेरुडा इज द पोएट एंड कीपिंग क्वाइट इज द पोएम। राइट द सिनोनिम ऑफ पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द एग्जॉटिक का अनयूजुअल होता है, अजीब, बिल्कुल अद्भुत। व्हाट डज द वर्ड इंजन्स मीन? इंजन्स का मतलब है ऑल द मशीन्स, राइट? व्हाट डज विदाउट रश का मतलब क्या है? इट मीन्स विदाउट हरी एंड एनी एक्टिविटी ऑन द अर्थ, वरी आल्सो। विच टाइप ऑफ ए सडन स्ट्रेंजनेस वुड इट बी? इट वुड बी टोटल साइलेंस ऑन द अर्थ, धरती पे सन्नाटा हो जाएगा। इट वुड बी स्ट्रेंज, और अजीब होगा, दैट ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज वुड स्टॉप फॉर सम टाइम ऑन द अर्थ, धरती पे आज तक सभी एक्टिविटीज कभी बंद नहीं हुई होंगी, तो ये अजीब सी बात होगी सबके लिए। और ये एक्सपीरियंस आपने किया भी होगा, जैसे किसी की डेथ हो जाती है स्कूल में, किसी लीडर की हो जाती है, कोई भी मैनेजमेंट का होता है, या कोई भी, 2 मिनट का मौन रखवाते हैं, तो आप देखते हैं स्टूडेंट्स कि कितना सन्नाटा हो जाता है, आपको क्या सुनाई देता है,
बर्ड्स सुनाई दे रहे, बर्ड्स के चर्पिंग और मूवमेंट, ट्रैफिक की मूवमेंट्स सुनाई दे रही हैं, हॉर्न्स वगैरह। परंतु यहाँ इंट्रोस्पेक्शन में जब आप पहुँचोगे तो जब खो जाओगे तो कुछ भी सुनाई नहीं देगा, आपके ईयर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे सुनने के लिए बाहर की चीज़, अंदर की बातें, अंदर ही आप अंदर सिमट जाओगे अपने। जब कोई खो जाता है, कई बार आपने रेवरी में देखा होगा, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं या आप अपने ख्यालों में खो गए हो, और आसपास अगर आपका फ्रेंड आपको पकड़ के भी हिला रहा है तब भी आप कॉन्शियसनेस में नहीं आते, तो वो स्टेट होती है इस तरह की। कॉन्सेंट्रेशन वो चाहिए और इंट्रोस्पेक्शन तब शुरू होता है, अदरवाइज आपके विचार भागते रहेंगे, बाहर की दुनिया में भागते रहेंगे, आपको विड्रॉ करना है, अंदर की तरफ जाना है। तो स्टूडेंट्स, ये थर्ड एक्सट्रैक्ट मैंने डिस्कस भी किया, इसके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी आपको बताए, आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मदद मिलेगी कहीं ना कहीं इस पैसेज की। फोर्थ पैसेज लेके फिर आऊँगा, पैसेज नहीं कहते हम पोएम को, पोएम का जो भी पीस होता है उसे स्टेंजा बोलते हैं या एक्सट्रैक्ट कहते हैं। एक्सट्रैक्ट तो प्रोज का भी हो सकता है, पोइट्री का भी, बट स्टेंजा जो होता है वो पोएम का ही होता है। फोर्थ स्टेंजा के साथ फिर आऊँगा। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।